हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन गुरुजी में आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार वर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ कि जो हमारी जो ट्यूबलाइट के हम जो करते हैं कनेक्शन, उसके अंदर हम लगाते हैं एक चोक, एक लगाते हैं उसके अंदर स्टार्टर, एक फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो हम उस ट्यूबलाइट के अंदर जो चोक लगाते हैं, उस चोक का काम क्या है, उस चोक को क्यों उस ट्यूबलाइट के अंदर लगाते हैं, जो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि चोक होती है, जो हमारा चोक होता है वो ट्यूबलाइट के अंदर काम क्या करता है, हम इस ट्यूबलाइट को क्यों कम चोक का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक सर्किट डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि हमारी जो ट्यूबलाइट होती है उसके अंदर हम चोक को, सबसे पहली बात तो ये हमको ये भी पता होना चाहिए कि उसके अंदर चोक को हम लगाते कहाँ हैं, जब भी तो हम उसकी स्टार्टिंग, उसकी कार्य के बारे में हम जान पाएंगे। तो ये हमारे पास होती है हमारी फ्लोरोसेंट ट्यूब, यानी ट्यूबलाइट। ये हमारी फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, और हमारे यहाँ पर हमारे पास एक है स्टार्टर, और एक हमारे पास यहाँ पर हो गया ये चोक, जिसे हम अगर डायग्राम में देखें तो वो कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। इसके यहाँ पे होते हैं दो टर्मिनल्स, तो ये वही चोक है जो हमारा, हमने इस चोक को अंदर से दिखा दिया। हमारे पास है यहाँ पे एक न्यूट्रल और एक हो गया हमारे पास फेज। हम इस फेज को उठा के देते हैं चोक में, चोक में से हमने इसको उठाया और यहाँ दे दिया ट्यूबलाइट के अंदर, ट्यूबलाइट से यहाँ उठाया, यहाँ दे दिया हमने स्टार्टर में, स्टार्टर से लिया और यहाँ दे दिया हमने इस ट्यूबलाइट के सेकेंड टर्मिनल्स पे, सेकेंड टर्मिनल्स पे उठाया और दे दिया हमारे न्यूट्रल में। अब हम देखेंगे कि इस ट्यूबलाइट के अंदर ये जो हमारा चोक होता है, इस चोक का काम क्या है। चोक, अब सबसे पहले तो आपको पता है कि जो हमारी ट्यूबलाइट होती है, इसको एक बार चालू होने के लिए, यानी एक बार स्टार्ट होने के लिए हम इसको वोल्टेज चाहिए, कम से कम हजार से ज्यादा ही मानो इसको वोल्टेज चाहिए, 1000 वोल्ट से ज्यादा। पर हमारे पास आगे से जो वोल्टेज आ रही है वो तो आ रही है हमारे पास 250 या फिर 230, 240। तो उसमें हमारा जो इसको स्टार्ट करता है सबसे पहले वो तो होता है स्टार्टर। सबसे पहले इसको समझने के लिए, इस चोक को समझने के लिए आपको स्टार्टर पहले समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता कि स्टार्टर का काम क्या होता है तो वो आप सबसे पहले देखिए, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया है। तो पहले आप जाइए और वहां पे देखिए कि जो हमारा स्टार्टर होता है उसका काम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्टार्टर के अंदर हमारे पास दो बायमेटलिक पत्ती होती है, दो द्विधात्विक पत्ती होती है, जो आपस में टच होके और हमारे इस ट्यूबलाइट के अंदर शॉर्ट सर्किट करती है। उसी शॉर्ट सर्किट के दौरान हमारे यहाँ पे होती है धारा कम और वोल्ट, धारा ज्यादा और वोल्टेज कम। और जब ये यहाँ पे ये जो दोनों इसकी जो पत्तियां हैं वो ठंडी हो जाती है और वापस ये ऑफ कंडीशन में आ जाता है स्टार्टर, तब हमारी वोल्टेज और जो हमारी धारा हो जाती है वो होती है कम और वोल्टेज आती है ज्यादा। ये होता है हमारे इस स्टार्टर के कारण, इस स्टार्टर के कारण हमारी धारा और वोल्टेज पे ये प्रभाव पड़ता है। अब ये प्रभाव पड़ता है जो होता है इसके कारण। अब हम देखते हैं कि जो हमारा जो ये जो चोक होता है, हमारे पास जो ये चोक है वो क्या करता है। इसके होते बेसिक तीन पॉइंट्स होते हैं, ये तीन कार्य करता है। फर्स्ट हमारा जो कार्य है वो ये है कि जब हमारी ट्यूबलाइट को ऑन होने के लिए 1000 वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है, तो उस टाइम हमारा जो स्टार्टर होता है, एक बार जब हम स्विच दबाते हैं तो स्टार्टर के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है, और उस शॉर्ट सर्किट के दौरान हमारी धारा हो जाती है बहुत ही ज्यादा हाई। आपको पता है कि अगर हमारे घर के अंदर किसी भी चीज के अंदर शॉर्ट सर्किट या फिर न्यूट्रल और फेज जब एक साथ भिड़ते हैं तो वहां पे धारा हो जाती है ज्यादा, और धारा ज्यादा होने पे हमारी एमसीबी हो जाती है ट्रिप, या फिर हमारा जो भी उपकरण है या हमारे जो स्विच वगैरह है जिससे हम उसको सप्लाई दे रहे हैं वो हमारा हो जाता है खराब। पर आपने कभी सोचा है कि ट्यूबलाइट में जब एक बार स्टार्टिंग होने में 1000 वोल्टेज चाहिए या फिर उसमें धारा हो जाती है ज्यादा, तब हमारी एमसीबी क्यों ट्रिप नहीं होती। वो हमारी एमसीबी ट्रिप नहीं होती, वो काम करता है वहां पे, वो ट्रिप नहीं होती इस चोक के कारण।
ये चोक क्या करता है, फर्स्ट पॉइंट हमारा, कि जब हम इसके अंदर सप्लाई देते हैं तब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के कारण जो धारा ज्यादा होती है उस धारा को ज्यादा केवल यहां तक सीमित रखता है, ये यहां तक केवल यहां इस परिपथ के अंदर ही उस धारा को बढ़ाता है ये चोक। हमारी जो मेन सप्लाई है उस पर कभी भी ये प्रभाव नहीं डालने देता, अगर ये उस पर प्रभाव डालता तो हमारी एमसीबी ट्रिप हो जाती। तो फर्स्ट इसका जो पॉइंट है कि ये कि उस टाइम पे जब हमारी धारा बढ़ती है स्टार्टर के अंदर उसको ये करता है इस परिपथ के अंदर कंट्रोल। सेकंड जो हमारा पॉइंट है कि हमने देखा था कि इसमें धारा ज्यादा हो गई वोल्टेज कम हो गई, अब हमने देखा कि वोल्टेज ऐसे कम क्यों हुई, क्योंकि हमने देखा कि वोल्टेज तो हमेशा स्थिर रहती है, हमारे पास जो वोल्टेज आ रही है वो तो स्थिर रहती है, हालांकि धारा ऊपर नीचे होती है वो होती है हमारे प्रतिरोध के कारण, पर वोल्टेज तो फिक्स रहती है, तो यहाँ पे ये वोल्टेज कम कैसे हुई, तो ये वोल्टेज यहाँ पे जो कम करता है वो भी काम करता है हमारा ये चोक, वो भी हमारा ये चोक उस टाइम पे जब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट में धारा ज्यादा होती है तो वोल्टेज को कर देता है ये चोक कम। ये तो हमारा हो गए इसके दो पॉइंट, पहला पॉइंट कि ये धारा को ज्यादा करता है उस टाइम पे वोल्टेज को करता है कम, और दूसरा पॉइंट देखा है कि जब धारा ज्यादा हो जाती है तो वोल्टेज को कर देता है ये कम। ये हमारे पास दो पॉइंट हो गए। अब हमारा जो इसका तीसरा पॉइंट है कि जब हमारी ये जो धारा जब नीचे की तरफ यानी कम होने लगती है, हमने देखा कि स्टार्टर एक बार ऑन हुआ उसके अंदर गर्मी पैदा हुई, यहाँ पे स्पार्किंग हुई, स्पार्किंग होने के बाद जब वोल्टेज हमारी कम हो गई तो कुछ देर बाद में ये क्या होगा यहाँ पे ऑफ होने लग जाएगा, धीरे धीरे उसकी जो पत्तियां हैं वो वापस अपनी जो नॉर्मल कंडीशन है उस कंडीशन के अंदर आने लग जाएगी। जब ये नॉर्मल कंडीशन में आएगी तब हमारी धारा हो जाएगी वापस कम, और उस टाइम पे ये 230 वोल्टेज को बढ़ाकर 1000 वोल्टेज के आसपास तक उस वोल्टेज को कर देता है हमारा चोक। हमारा उस चोक 240 या 250 वोल्टेज को बढ़ाकर कर देता है ये 1000 वोल्ट, या फिर 1000 से भी ज्यादा कर देता है ये जो हमारा चोक। ये हो गए इसके दो फंक्शन, ये हमारे हो गए इसके दो फंक्शन। अब तीसरा चौथा जो हमारा फंक्शन है वो ये है कि अब हमने देखा कि मान लीजिए हम यहाँ पे इसको कर दिए, एक बार ये स्टार्ट हो गई, यहाँ पे गैस इसके आयनाइजेशन हो गई या ये ट्यूबलाइट चालू हो गई, अब धारा यहाँ से प्रवाह होना चालू हो गई। तो धारा जब यहाँ से प्रवाह होना चालू हो गई, अभी तो इस सर्किट के अंदर 1000 वोल्टेज ही उत्पन्न हो रही है, साथ ही साथ इसके अंदर धारा भी ज्यादा है, क्योंकि हम जो दे रहे हैं उस हिसाब से तो धारा ज्यादा ही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ था। तो उस टाइम हमारा जो होता है ये चोक होता है, ये चोक क्या करता है उस धारा और उसी वोल्टेज को जितनी हमारी परिपथ की जरूरत होती है या जितनी इस ट्यूबलाइट को जरूरत होती है उतनी ही उसको करता है, बाकी वोल्टेज को ये कर देता है कम और धारा को भी कर देता है ये वापस कम। मतलब हमारी जो धारा 1000 हो गई थी उसको ये वापस कम करके 240 हो रही है उसी को, क्योंकि केवल ट्यूबलाइट को एक बार ही आयनाइजेशन होने के लिए, केवल एक बार स्टार्ट होने के लिए ही 1000 वोल्टेज की जरूरत होती है, उसके बाद इसको 1000 वोल्टेज की जरूरत नहीं है, उसके बाद ये 250 वोल्टेज से भी काम चला रहता है। पर एक बार इसकी गैस को जो इसके अंदर मरकरी प्लस आर्गन भरी जाती है उसको आयनाइजेशन होने के लिए एक बार तो इसको 1000 वोल्टेज ही चाहिए होती है, तो ये उस टाइम पे 1000 वोल्टेज कर लेता है। पर जब इसको 1000 वोल्टेज नहीं चाहिए होती, मतलब ये एक बार चालू हो गई, जैसा कि हम गाड़ी में देखते हैं एक बार हमारी गाड़ी चालू हो गई उसके बाद में हमको स्टार्टर का कोई काम नहीं होता, उसी प्रकार ये हमारे उस 1000 वोल्टेज को कम करके, उस 1000 वोल्टेज को कम करके और 250 वोल्टेज के ऊपर ही ले आता है, और जो हमारी धारा होती है, जो हमारी धारा भी बढ़ चुकी थी वो धारा को भी कंट्रोल कर देता है। ये हमारे इसके तीन बेसिक फंक्शन होते हैं। क्या क्या, मैं एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूँ। धारा जब ज्यादा होती है तब हमारे परिपथ को कंट्रोल करके रखता है, हमारी एमसीबी को ट्रिप नहीं होने देता। दूसरा, जब हमारी धारा कम होती है तब वोल्टेज को बढ़ाता है, जो हमारी धारा जब कम होती है यहाँ से जब ये शॉर्ट सर्किट हटता है तब हमारी धारा कम होती है तब हमारी वोल्टेज को बढ़ाता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा जो लास्ट मैम इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमारी इस परिपथ के अंदर ये ट्यूबलाइट चालू हो जाती है, इस स्टार्टर का कोई काम नहीं होता, जब हमारा ये चोक हमारी ट्यूबलाइट के अंदर 1000 वोल्टेज को वापस कम करके 240 वोल्टेज तक ही रखता है, या फिर जितनी इस ट्यूबलाइट को वोल्टेज की जरूरत होती है वो ये काम में लेता है। ये हो गया हमारे चोक का वर्क। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, अगर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।